खूबसूरत है यार, वाह। एक भी माता जी नहीं छोड़ेंगे जो हम अपने दर्शकों को ना दिखाएं, हम हर एक चीज दिखाएंगे, हर एक चीज। ये रहा फुहारा, और ये पूरा फुहारा आप देख लो आज, जान तो सीधे सीधे दोस्तों। और ये लाइट देखिए, लाइट की जगमगाहट। और दोस्तों दीपावली के बाद अभी, अरे दीपावली कह रहा दोस्तों, जो विजयदशमी है, ये हमारे भगवान प्रभु श्री राम भगवान की याद मनाया जाता है। और रावण का पुतला का दहन करेंगे अभी, रावण का, और दशहरा के दिन। दशहरा इस बार मेरे YouTube चैनल पर होगा जबलपुर, अब तो कंप्लीट कर दूंगा जो कमाई कमाई कमाई। दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव जो है, और 75 साल की वर्षगांठ पर, और ये श्री दुर्गा उत्सव समिति अंधेर देव वालों ने बहुत ही प्यारा सा एक बनाया गया, जिसमें भी हमारे सैनिकों को दिखाया गया है और दिखाते हैं, और माता जी को विराजमान किया हुआ है इन्होंने। ये देखो, ये लिखा अमर जवान, और देखो ये सैनिक बनाया हुआ है, और ये रही अपनी माता जी। पूरा एक ग्रीन भी बिछाई हुई है इन्होंने, पूरा आर्मी कैंप लग रहा है दोस्तों ये। दोस्तों हनुमान जी एवं दुर्गा समिति मंदिर, दोस्तों सबसे प्राचीन और सबसे ओल्ड लाइब्रेरी है, वो भी सरकारी लाइब्रेरी है। और ये देखो दोस्तों, अभी काफी बन गया, इसको डिजिटल भी बना दिया, पता प्रमोद। देखो दोस्तों लाइब्रेरी दिखाई दे रही है आपको, तो दोस्तों अभी जो आपको एक बिल्डिंग सी दिख रही ऊंची, 3-4 मंजिल 5 मंजिल ऊंची, ये हमारे यहाँ का है घंटाघर। तो दोस्तों घंटाघर मुझे काफी जगह भी दिख जाएंगे, देवास में भी दिखा था, और इटारसी में भी एक बार घंटाघर दिखा हुआ था। और देखिए दोस्तों वहां पर घड़ी लगी हो, और जो करेक्ट टाइम तो नहीं बता रही, थोड़ा सा पीछे चल रही है, जैसे कि 8 बजे के यहाँ पर हो गया अभी 15 मिनट, बट उसको 8 बजने में 10 मिनट कम रहे हो, ये देखिए। और यहाँ माता जी की मूर्ति भी विराजमान की हुई है इन्होंने, और यहाँ अपने प्यारे श्री कृष्ण भगवान। और ये देखिए पूरा घंटाघर, और यहाँ बन रही है रोड, पुलिस नियंत्रण कक्ष, और दोस्तों ये अपना हाई कोर्ट। दोस्तों ये दिख रहा है स्टेशन आपको सामने दिख रहा होगा, जबलपुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पास में ये दोस्तों एसपी ऑफिस, धनखड़ जी, धनखड़ क्या हुआ इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर हमें। बहुत सही चाचा, दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं सिविल लाइन, और अब ये देखें यहाँ बहुत ही शांत इलाका है यहाँ पूरे, क्योंकि अम्बानी अम्बानी लोग रहते हैं ना, इसीलिए अम्बानी के रिश्तेदार अम्बानी के रिलेटिव्स रहते हैं ना, तो इसीलिए शांत है, क्योंकि उन लोग को अशांति सब पसंद नहीं है। और यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं, एक ही मूर्ति जी रखी रही, एक ही मूर्ति रखी रही, एक ही माता रानी की। और यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या रखा हुआ है, ये कार वगैरह रखी दोस्तों यहाँ पर, अपने नेक्सा का शोरूम है, कार खरीदने नहीं आऊंगा इधर। और ये देखें दोस्तों, और ये मस्त डेकोरेशन के साथ एक कलरफुल लाइट लगी, देखिए दोस्तों सारे पगल पूरा बर्बाद कर दे नीचे सब दोस्तों, देव का इतना प्यार लाइट लगी हुई है। तो यहाँ पे मंदिर है, साईं मंदिर है, साईं बाबा। और ये
माता जी अभी विराजमान नहीं हुई है, लगता है पंचमी के दिन माता जी विराजमान होंगी। चलो दोस्तों आप चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको। और ये भगवान साई बाबा का मंदिर, काफी लाइन लगी, आज गुरुवार भी है जैसे, तो वहाँ चल रहा है दोस्तों भंडारा, विशाल भंडारा। तो दोस्तों लाइट देख सकते हैं आप, और अभी हम लोग लेंगे भंडारा, प्रसाद ग्रहण करेंगे अभी आके। बहुत सही जगह पर आए हैं दोस्त। मैंने आपको बता रहा था ना कि पंचमी के बाद से भंडारा चालू हो जाएगा। दोस्त देखिए, आज ही हम लोग आए हैं और आज ही भंडारा चालू हो चुका है। तो जबलपुर में दोस्तों ये खासियत है, ये देखिए भाई साहब लाइट और डेकोरेशन कितना, पूरे स्टूडेंट आ जाएंगे भाई, देख रहे हो ना कितना प्यारा सजाया हुआ है। नहीं रोक लें तो दोस्तों देखो ये बन रहा है यहाँ पर भंडारा। अरे कहाँ पड़ रहा है यार, देख रहे हैं यार अपन दोस्तों।